नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चंद्रपुर में 27 की मौत, 835 संक्रमित। टीकाकरण केंद्र श्रीरामपुर में शुरू। बेनोड में 17 से खुलेगा कोविड अस्पताल। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। चंद्रपुर में 27 की मौत, 835 संक्रमित। जिले में विगत 24 घंटों में 835 कोरोना संक्रमित मिले, वही 27 लोगों को जान गंवानी पड़ी। 1335 लोग कोरोना मुक्त हुए। एक्टिव संक्रमितों की संख्या 11255 है। जिले में मृतकों की संख्या 1192 पहुंच गई है, जिसमें चंद्रपुर जिले के 1101 लोगों का समावेश है। नए मिले मरीजों में चंद्रपुर शहर के 229, चंद्रपुर ग्रामीण के 70, बल्लारपुर में 79, भद्रावती 61, ब्रह्मपुरी 34, साउली 31, सिंदेवाही 41, मूल 49, राजूरा 41, चिमूर 2, वरोड़ा 56, कोरपना 47, नागभीड 22, गोंड पिपली 30, ज्योती 8, पोनबुरना के 24 तथा अन्य 11 मरीजों का समावेश है। तो वही दूसरा टीकाकरण केंद्र श्रीरामपुर में शुरू। समीप के श्रीरामपुर ग्राम पंचायत व तहसील स्वास्थ्य विभाग की ओर से नया टीकाकरण केंद्र मंगलवार को शुरू किया गया। केंद्र का उद्घाटन जिला परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष ययांती नाई के हाथों हुआ। इस समय सरपंच आशीष कालबांडे, उप सरपंच संगीता प्रवेश पांगारकर, सचिन भिताड़े, सरकारी सूत मिल के अध्यक्ष राजेश आसेगावकर, तहसील स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आशीष पवार, डॉक्टर भाऊ खाड़े उपस्थित थे। कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण के साथ जन जागृति की जाएगी। शहर के टीकाकरण केंद्र में भीड़ उमड़ रही है, इससे श्रीरामपुर परिसर में टीकाकरण केंद्र शुरू करने के लिए सरपंच आशीष कालबांडे प्रयासरत थे। तो वही तीसरे और बेनोड में 17 से खुलेगा कोविड अस्पताल। वरुड तहसील के ग्राम बेनोड में कोविड अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। कामिया का सिविल सर्जन डॉक्टर श्याम सुंदर निकम ने जायजा लिया। 17 मई तक कोविड अस्पताल शुरू किया जाएगा। बेनोड़ा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन सहित 50 बेड के अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। इसका जायजा लेने के लिए गुरुवार की दोपहर डॉक्टर श्याम सुंदर निकम ने दौरा किया, व्यवस्था की जानकारी ली, साथ ही निर्देश दिए कि 17 मई तक यह अस्पताल शुरू करे। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को YouTube पर भी देख सकते हैं और इसे YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।